नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि पूरा देश धूमधाम से स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्वगुरु होगा। पूरा भारत उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और निश्चित तौर पर 21वीं सदी भारत की ही होगी। आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जयंती पूरा देश दुनिया मना रही है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्वगुरु होगा, और उनका सपना साकार होता हो रहा है और पूरा देश उनके बताए पदचिन्हों पर चल रहा है। निश्चित ही भारत जो है 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्वगुरु होगा। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाई जा रही है। हमारे देश में तो मनाई जा रही है, विश्व में भी कई ऐसे स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। आज सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, पूरे शहर से लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर। ये उपाध्यक्ष है महेश जोशी जी, मैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक चंद्रभान कामले। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.